Hello students, today we discuss a new topic. The topic name is learning style, जिसका अर्थ होता है अधिगम शैली. उसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे. Let us discuss about this topic in detail. First, the concept of learning style. अधिगम शैली का अवधारणा क्या है, उससे पहले जानना चाहेंगे अवधारणा का शैली क्या होता है या शिक्षण शैली क्या होता है. व्हाट इज लर्निंग स्टाइल? टेक्निकली एन इंडिविजुअल्स लर्निंग स्टाइल रिफर्स टू प्रिफरेंशियल वे इन व्हिच द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व्स प्रोसेसेस कॉम्प्रिहेंड्स एंड रिटेन्स इंफॉर्मेशंस. इसको ओवरऑल शिक्षण अधिगम शैली से पता करना होता है, जो बच्चे लोग स्टूडेंट क्या जानकारी अवशोषित करते हैं, प्रक्रियाएं करते हैं, संकलित करते हैं या बनाए रखते हैं. मतलब जो उनको सिखाया जाता है उसको कितना याद रख पाते हैं और उसको अपना काम में कितना लगा पाते हैं और उस काम को लेते हुए उसका सुझाव देते हैं या वो सॉल्यूशन निकालते हैं. और रिटेन्स इन्फॉर्मेशंस, मतलब वो इन्फॉर्मेशन को दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं. मतलब अपना जो जानकारी है वो दूसरे फ्रेंड हो, अपना सर्कल में जब काम हो या कहीं बच्चों को हेल्प करना होता है तो फिर वही ज्ञान को वो दूसरी तरफ से संचारित करते हैं या फिर प्रदान कर लेते हैं. इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं. लर्निंग स्टाइल्स कैन बी डिफाइंड क्लासिफाइड एंड आइडेंटिफाइड इन मेनी डिफरेंट वे. जनरली दे आर ओवरऑल पैटर्न्स दैट प्रोवाइड डिरेक्शन टू लर्निंग एंड टीचिंग. सीखने की शैली, सीखने की अवधारणा को कई अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित, वर्गीकृत और पहचान जा सकता है. जब हम लोग को लर्निंग स्टाइल, शिक्षण अधिगम शैली के बारे में हम लोग अगर जानना चाहेंगे तो पहले इसको बहुत परिभाषित किया गया, उसके ऊपर बहुत सारा बात या टिप्पणी कर चुका गया है, लिखा गया है और उसको वर्गीकृत किया गया है और कैसे उसको पहचान जा सके उसके बारे में बहुत सारा स्टेप लिया गया है. लर्निंग स्टाइल कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ सेट ऑफ फैक्टर्स, बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स दैट फैसिलिटेट लर्निंग फॉर एन इंडिविजुअल इन ए गिवेन सिचुएशंस. यहाँ पे आमतौर पर ये समग्र पैटर्न होते हैं जो सीखने और सिखाने के लिए निर्देशित को निर्देशन को प्रेरित करते हैं. सीखने की शैली को, कारकों, व्यवहारकर्ता और दृष्टिकोणों के एक सेट के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जो कि एक प्रेरक स्थिति में एक प्रेरक के लिए सीखते हैं. जैसे यहाँ पे अगर लर्निंग स्टाइल को हम लोग फोकस करते हैं, ये ओवरऑल वर्णित करता है क्या है, फैक्टर्स, कुछ कारकों को और व्यवहार को, रवैया को. और जब व्यक्तिगत तौर पर छात्रों को इस शैली को, शिक्षण अधिगम शैली को जब देखना होता है या फॉलो करना होता है तो ये सारा चीज़ उसमें कारक, उसका व्यवहार, उसका रवैया, उसका छात्रों के प्रति क्या प्रभाव होता है, इसको ओवरऑल हम लोग को देखना होता है. देन Each learner has a distinct and constant preferred ways of obsession, organization and retention. जैसे यहाँ पे भी बहुत सारा ताल्लुक को रखा गया है. प्रत्येक शिक्षार्थी के पास ये रहता है, धारणा, संगठित करना और प्रतिधारणा, ये स्टूडेंट के पास रहता है. दिस लर्निंग स्टाइल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स दैट सर्व आज pretty good indicators of how learners perceive, interact with and respond to the learning environment. उन सीखने की शैलियों में विशेषता संज्ञानात्मक, स्नेहपूर्ण और भौतिक विज्ञान व्यवहार हैं जो शिक्षार्थियों के अच्छे अच्छे संकेतक रूप में काम करते हैं, जो शिक्षार्थी के साथ बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक अच्छा शिक्षण अधिगम पूर्ण माहौल प्रदान करता है. मतलब जब वो शिक्षण अधिगम शैली को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लर्निंग एनवायरमेंट सुइटेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इजीबल हो जाता है. बहुत समझने में आसान होता है और शिक्षण वातावरण बहुत कूल हो जाता है. और उस शिक्षण शैली को लेते हुए छात्रों को जब पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है और उनके लिए बहुत आसान होता है इस शिक्षण अधिगम प्रणाली को आत्मसात करने में.
देन स्टाइल्स इन्फ्लुएंस हाउ स्टूडेंट्स लर्न हाउ टीचर्स टीच एंड हाउ द स्टूडेंट इंटरैक्ट. यहाँ पर शैली दिखाता है छात्र कैसे सीखते हैं, कैसे प्रभाव दिखाते हैं और शिक्षक उसको कैसे सिखाते हैं. स्टूडेंट तो सीखेंगे और छात्र तो सीखेंगे ही और शिक्षक सिखाएंगे. ये प्रक्रिया प्रभाव पड़ता है शिक्षण अधिगम शैली में. ईच पर्सन इज बर्न विथ सर्टन टेंडेंसीज टुअर्ड पर्टिकुलर स्टाइल्स बट दिस बायोलॉजिकल एंड इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैच्योरिटी लेवल एंड डेवलपमेंट. यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति विशेष शैलियों की और कुछ प्रवृत्तियों के साथ पैदा होते हैं. मतलब सबके पास इंडिविजुअल डिफरेंस क्वालिटी होता है कि सबका क्वालिटी सेम नहीं होता है. डिफरेंस लेवलों पे देखा जाता है तो इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत तौर पर भिन्नता दिखाई पड़ता है. सबका गुण सेम नहीं होता है. इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति विशेष शैलियों की और कुछ प्रवृत्तियों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन यह जैविक या विरासत में मिली विशेषताएं सांस्कृतिक व्यक्तिगत अनुभव परिपक्वता के स्तर और विकास से प्रभावित होती है. एक्चुअली जो पहले जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं या छात्रों को देखते हैं छोटे लेवल से बड़े जब बड़े हो जाते हैं इसे मतलब इसी टीचिंग लाइन पे जब पढ़ाई करते हैं तो उनमें ये कुछ संस्कार होता है और व्यक्तिगत अनुभव और उनमें मैच्योरिटी लेवल डेवलप होता है. ये उसको भी अलग दूसरों से अलग कर देता है क्योंकि हर बच्चे के साथ जो क्वालिटी होता है और हर बच्चे के पास में उस क्वालिटी ही दूसरे बच्चे से उसको अलग कर लेता है. तो ये क्वालिटी दिखाई पड़ता है उसका व्यवहार से, उसका संस्कार से, उसका मैनर से और ये सब से एक दूसरे से क्या बोलते हैं उसको एक दूसरे से भिन्नता कर लेता है, अलग कर लेता है. स्टाइल कैन बी कंसिडर्ड ए कंस्ट्रक्चुअल वेरिएबल और कंस्ट्रक्ट बिकॉज व्हाट द लर्नर ब्रिंग्स टू द लर्निंग एक्सपीरियंस इज as much a part of the context as are the important features of the experience itself. प्रासंगिक, परिवर्तनशील या निर्माण, क्योंकि सीखने वाले को सीखने के लिए क्या अनुभव होता है यह संदर्भ का उतना ही हिस्सा है जितना कि अनुभववाद के महत्वपूर्ण लक्षण है. शैली को संरक्षित किया जाता है या किया जा सकता है. यहाँ पे जब शिक्षण अधिगम शैली को व्यवहार में लाते हैं यहाँ प्रासंगिकता का कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब रोपण किया जाता है. रचनात्मक शैली को डेवलप किया जाता है और शिक्षण अधिगम अनुभव में नयापन आता है और इसी एक्सपीरियंस अनुभव को बच्चों के सामने जब साझा किया जाता है, बच्चों के साथ जब शेयर किया जाता है, इसका बैकग्राउंड में शो होता है अधिगम शैली. सिर्फ अधिगम शैली जो होता है वो कि जितना जो पढ़ाई लिखाई अवधि को ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कर लेता है और मॉडिफाई भी कर लेता है. देन students learn differently from each other and it has been determined that brain structure influences language structure acquisitions. actually student ka jo differently unka to alag se dusre se alag hote hain uske sath sath unka bhasha grahan karne ka aur bhasha ko kaise dusre ke samne present karte kisi language mein isko present karte hain kaise dusre ke sath baat chit karte hain bol chal karte hain wo depend karta hai. jaise chhatra ek dusre se alag tarah से सीखते हैं और यह निर्धारित किया जाता है कि मस्तिष्क संरचना भाषा संरचना अधिग्रहण को प्रभावित करता है. मतलब आप कैसे समझते हैं और आपका समझने का तरीका को कैसे दूसरे के सामने प्रेजेंट करते उजागर करते हैं ये आपका शिक्षण अधिगम शैली ही आपको हेल्प करता है, मदद करता है. It has also been shown that different hemispheres of the brain contain different perception avenues. Some researchers claim that several types of cells present in some brains are not present in others. यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ भी दिखाया गया है कि मस्तिष्क के विभिन्न ग्रंथ या विभिन्न अलग अलग सेल होता है, धारणाएं होता है. कुछ शोधकर्ता का दावा होता है क्योंकि जिस सबके मस्तिष्क का संरचना और सोचने समझने का क्षमता सेम नहीं होता है, ये स्टूडेंट वाइज डिफर होता है. जैसे मस्तिष्क में
किसी का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, और स्टूडेंट में देखा जाता है छोटे बच्चे जो होते हैं ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल पे, बहुत सारा कम उम्र में भी बच्चे मैच्योरिटी लेवल अटेंड कर लेते हैं, मतलब परिपक्वता आ जाता है, बहुत समझ जाते हैं, और उसी समय भी बहुत उम्र होने के बाद भी मैच्योरिटी लेवल नहीं आता है। तो ये डिपेंड करता है आपका मस्तिष्क संरचना पे। तो ये ओवरऑल आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को डील करता है। आप तीन स्तर को फॉलो करता है, आप किसी तरह उसको ग्रहण करते हैं और कैसे उसको साथ साथ आपका एक्टिविटी में वो शो होता है, ये सारा चीज़ रिसर्चर जो अनुसंधानकर्ता देखते हैं, और इसी को देखते हुए शिक्षण अधिगम शैली का या प्रोसेस को या प्रक्रिया को बच्चों के सामने उपस्थापन करना चाहिए, जो कि उनको हेल्प करता है सीखने में, और उसके साथ साथ इसी सीखने प्रणाली को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और छात्रों को ज़्यादा कंफर्टेबल होने के लिए शिक्षण अधिगम शैली और उसका जो प्रकार होता है बहुत काम आता है। आज ओवरऑल हम लोग इसका अधिगम शैली का अवधारण के बारे में डिस्कशन किए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल। कल प्रयास करेंगे इस टॉपिक में और कुछ लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।